जाते जाते एक कहानी सुनाता हूं आपको, जो आपके जिंदगी का महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। ये कहानी बाइबल में एक स्टोरी है। एक राजा था, उस राजा का नाम सोलोमन था। सोलोमन राजा धरती के सबसे ज्ञानी राजाओं में से माना जाता था। एक तरफ से सोलोमन को भी इस बात की घमंड थी कि मैं सबसे वाइज, विजडम, ज्ञान भरा हुआ राजा हूं। सोलोमन के राज्य में कुछ मंत्रियां थे। इन मंत्रियों में एक मंत्री का नाम था बिनाया। बिनाया भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और लोग उनको सोलोमन के साथ कंपेयर करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि बिनाया और सोलोमन लगभग सेम सोचते हैं। ये बात सोलोमन के कान तक पहुंची। सोलोमन को तुरंत ईर्ष्या हुई, वो सह नहीं पाए इस बात को। तो सोलोमन ने कहा, चलो देख ही लेते हैं ये बंदा मेरे टक्कर का है या नहीं। तो एक दिन सारे मंत्री लोग बड़े टेबल पे, लाइक टुडे कॉन्फ्रेंस रूम, वहां पर बैठे। सोलोमन अपने तख्ते पर बैठे, जोरदार आवाज निकाला, बिनाया प्लीज लुक हियर। बिनाया खड़े हो गए। बिनाया को कहा, यू लव मी अ लॉट राइट? बिनाया ने सबके सामने कहा, यस योर ऑनर, आई लव यू अ लॉट। सोलोमन ने कहा, इफ दैट इज द केस, अगर ये वो बात है तो जाओ मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी लेकर आना जिसे पहनते से ही दुखी आदमी खुश हो जाए और खुश आदमी दुखी हो जाए, और तब तक इस महल में मत आना जब तक आपको ये अंगूठी आपके हाथ में नहीं मिला हो। और सबके सामने ये बात बताया और कहा कि आज आप फ्री हो गए, यू आर फ्री टू गो एंड सर्च द स्मॉल रिंग, और मेरे पास आ जाइएगा। इतना ही तुम विजडम है, इतना ही तुम्हारे पास ज्ञान है, तो आप मेरे टक्कर के बनना चाहते हैं तो लाइए ऐसा एक अंगूठी मेरे सामने लेकर आइए। बिनाया बाहर निकला, चंका में निकला कि ये क्या बात है। मैं समझ सकता हूं कि अगर एक ऐसी अंगूठी जो दुखी आदमी पहने उसे मैं खुश कर सकता हूं, बट खुश जो है उसे मैं दुखी कैसे कर सकता हूं? ऐसी कौन सी अंगूठी हो सकती है? ये तो मेरे खिलाफ साजिश है। बिनाया ने महल की तरफ मुड़कर देखा और बिनाया ने डबल माइंड रखे। एक तरह से लगता है कि राजा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक तरह से लग रहा है नहीं, इतना बड़ा राजा, इतने ज्ञानी, दुनिया में इतने माने हुए राजा इतने बड़े महल में ऐसी बात नहीं करेगा, कुछ तो होगा। और बिनाया वहां से चल पड़े, गांव गांव, शहर शहर घूमे, एक महीना घूमे, दो महीना घूमे, तीन महीना घूमे, कहीं भी उन्हें कोई खबर नहीं कि ऐसी कोई अंगूठी मिले जिससे पहनते से ही दुखी आदमी खुश हो जाए, खुश आदमी दुखी हो जाए। पहला वाला वो पार्ट वाला अंगूठी मिल भी जाए, सेकेंड पार्ट वाला अंगूठी नहीं मिलना ऐसा लग रहा था। छह महीने बाद जब बिनाया महल जाना बंद कर दिया, बिनाया को यह बात समझ में आ गया कि लगता था राजा मुझे निकालना चाहता था और यही एक रास्ता राजा ने चुना मुझे नौकरी से निकालने की, क्योंकि मेरी तुलना उनके साथ की जा रही थी। तो उन्होंने कहा, कोई इससे अच्छा तो है कि इस महल में अभी जाना ही नहीं है। छह महीने बाद जैसे भारत हिंदुस्तान में हमारी दिवाली होती है, वैसे ग्रीक राज्य में वहां पर फुकेत होता है। बहुत बड़ा, बड़े बड़े मेले लगते हैं और फुकेत के समय पर मेला लगा। बिनाया ने डिसाइड किया कि चलो मैं मेले में जाके तो एक बार देख लेता हूं कि कहीं ऐसे कुछ अंगूठी तो नहीं मिल जाए। और मेले में एक अंगूठी की एक छोटी सी दुकान दिखी। सुबह सुबह उस दुकान में पहुंच गए। एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत बूढ़ा व्यक्ति, वो अंगूठियों को लगाने सुबह बाहर जा ही रहा था कि बिनाया ने अपना यह प्रश्न लेके उस बूढ़े इंसान के पास गया और कहा कि बाबा, मैं एक ऐसे अंगूठी के खोज में हूं जिसे पहनते से ही दुखी आदमी
खुश हो जाएगा और खुश आदमी दुखी हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम हो कौन और तुम कहां से आए हो? तब बिनाया ने अपनी परिचय दिया कि मैं राजमहल का मंत्री हूं, मेरी ऐसी ऐसी तुलना हुई है, सोलोमन के साथ में उठता बैठता हूं, तो इसीलिए मुझे मैं इस अंगूठी की खोज में हूं। उन्होंने कहा अच्छा सोलोमन ने तुझे भेजा है, ठीक है मैं तुझे एक अंगूठी बना के देता हूं। बिनाया के जान में जान आ गई, माय गॉड एट लास्ट मुझे ऐसे एक इंसान मिला तो सही जिसने कहा कि यस मैं आपको उस अंगूठी दे सकता हूं। बिनाया ने कहा कि प्लीज मुझे बनाकर दे दीजिए, जो मूल्य है मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे ये बनाकर दे दीजिए। ये बूढ़े इंसान जो है ये पर्दे के पीछे गए, कुछ थोड़ी सी कोयले से आग लगाई, कुछ रिंग्स निकाले सैंपल में से और वो अंदर जाके कुछ करते बैठे। 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 31वें मिनट पे ये बूढ़े व्यक्ति बाहर आए। उन्होंने ये अंगूठी निकाली और बिनाया को दी और बिनाया को कहा कि ये ले जाओ और सोलोमन को दिखा दो, तुम्हारा काम खत्म हो गया। बिनाया ने इसे पढ़ा, इस अंगूठी को बड़े करीब से देखा तो इस अंगूठी पे कुछ शब्द लिखे, यही शब्द इसके ऊपर वो लिख रहे थे शायद अंदर पर्दे के पीछे बैठ के। बिनाया ने इसे बड़े गौर से पढ़ा और बिनाया ने कहा हे भगवान, मुझ में और सोलोमन में तो जमीन और आसमान का फर्क है, क्यों लोग मेरी तुलना कर रहे इस बंदे के साथ? मैं उसकी सोच और विचार के आस पास नहीं आ सकता। ये लेकर वो गए सीधे महल पर, उसी कपड़े में, सुबह वाले कपड़े में सीधे महल गए। सोलोमन ऐसे तख्ते पर बैठे हैं, दूर से देखा बिनाया आ रहा है। सोलोमन समझ गया, बिनाया को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बिनाया आया मतलब बिनाया अब मेरे तुलने का हो चुका है। सोलोमन जोर से हंसे और कहा बिनाया वेलकम टू माय पैलेस, आपका स्वागत है मेरे महल में। और कहा क्या तुमको वो अंगूठी मिली? बिनाया ने कहा यस योर ऑनर मुझे मिला। तो कहा तुम मेरे पास मत आओ, वो मेरे मंत्री नंबर 1 है उसके हाथ में दे दो, वो पास करेंगे, वो जादू अंगूठी हमारे राज्य में आ चुका है और ये जादू अंगूठी मैं चाहता हूं कि मेरे सो कॉल्ड मिनिस्टर्स भी इसे एक बार देख ले। मंत्री क्रमांक 1 के हाथ में ये गया, मंत्री ने घुमाकर देखा, मंत्री को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने अगले वाले को दिया, अगले वाले को दिया, अगले वाले को दिया, एक को भी कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में जो बैठा था मंत्री उठ खड़े हुए और सोलोमन को अपने तख्ते पर बैठे हुए सोलोमन को वो अंगूठी दिए और सोलोमन ने इसे फिर घुमाया और पढ़ा और कहा बिनाया क्या अब तुमको समझ में आया मैं क्या तुमसे मांग रहा था? बिनाया ने झुक कर कहा यस योर ऑनर मैं समझ चुका था। ये अंगूठी पर क्या लिखा था मैं बताने जा रहा हूं। इस अंगूठी पर 3 शब्द लिखे थे, ग्रीक में इसे कहते हैं जिमेल जाइन योद, हिंदी में अगर इसे ट्रांसलेट करें तो कहने का तात्पर्य यह है यह वक्त भी गुजर जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं दिस टू शैल पास। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, क्या आपको नहीं लगता कि दिस कैन बी द फाउंडेशनल फिलॉसफी ऑफ योर लाइफ? कितनी गहरी बात इस चीज के अंदर मिली हुई है। ये दिस टू शैल पास का मतलब यह बनता है कि आज अगर आप दुखी हैं तो कोई भी क्षण आपके जिंदगी में परमानेंट नहीं रहता। एवरीथिंग इज टेम्पररी। आपकी जिंदगी में ऐसे कोई क्षण आया है कि आप परमानेंटली दुखी रहे? नहीं, वो दुख कुछ समय तक रहता है और वो दुख चला जाता है। अभी आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, अगर आप बहुत खुश हैं तो फिर अपनी जिंदगी को टटोल के देखिए, क्या आपकी जिंदगी में खुशी परमानेंट रह जाती है? उदाहरण के तौर पर आप 10वीं पास किए, आपको 80% मार्क्स मिले होंगे, 90% मार्क्स मिले होंगे, उस दिन की खुशी क्या आज भी आपके पास है? नहीं है, वो वक्त भी चला जाता है। इसका यह मतलब है दुख हमारी जिंदगी में आए और अगर ये 3 शब्द हमारे पास है,
यह वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास। तो हम इस स्वीकार में रह सकते हैं कि कुछ क्षण के लिए दुख मेरे पास आया है, इसे आने दो, ये निकल जाएगा। और इसी प्रकार अगर बहुत ज्यादा खुशी भी हमारे जिंदगी में आती है तो वो कहते हैं ये समय भी मेरी जिंदगी से गुजर जाएगा, कुछ क्षण की खुशी है इसमें से हम जी लेते हैं। इस फाउंडेशनल फिलॉसफी के साथ अगर आप आपकी जिंदगी जीते हैं तो लाइफ कैन बी एन अमेजिंग जर्नी फॉर यू एंड मी।